झारखंड विधानसभा मानसून सत्र चौथा दिन है और आपको बता दें कि तीसरे दिन ही स्पीकर के द्वारा चार विधायकों को निलंबित किया गया था। एक ओर जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहां झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र जारी है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ठीक प्रतिमा के नीचे चारों विधायक जिन्हें निलंबित किया गया है, ये कहा गया था कि इन लोगों के द्वारा अमर्यादित तरीके से सदन के अंदर हल्ला किया जा रहा था, हंगामा किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन सभी को निलंबित कर दिया गया और आज ये सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी भी पहुँचे। हम सीधा इन लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विधायक अपनी मांगों को लेकर के सदन में आवाज़ उठाते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं होता, बार बार बेल में आना पड़ता है जब सरकार नहीं सुनती है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं सुनते हैं, तो फिर विधायकों के पास क्या रास्ता बचता है। और कल तो हम भी खुद हाउस में हम उपस्थित थे और हमने देखा कि कहीं भी किसी भी एंगल से विधायकों ने कोई अमर्यादित आचरण नहीं किया और इसके बाद विधायकों को निलंबित करना, उसमें भी एक विधायक जो पटेल जी, वो तो थे भी नहीं उस वक्त बेल पर, उनको भी सस्पेंड किया। तो इससे बिल्कुल साफ है उन्होंने पहले से मन बना के ही आए हुए थे, विधायक लोग विरोध करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हम उसको निलंबित करेंगे। क्या कहेंगे अध्यक्ष का जो, देखो रवैया अध्यक्ष का वही रवैया है, सरकार के इशारे पर काम करती है, सरकार जैसा चाहती है जैसा वैसा करती है। क्या अनुशासनहीनता हम लोगों ने किया, महामहिम स्पीकर साहब बतावे, वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर। हम लोगों ने परसों इस राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करने का जोरदार तरीके से मांग उठाया, सरकार ने काम सदन में चर्चा कराएंगे, सरकार ने सदन में चर्चा भी की, क्यों नहीं अकाल क्षेत्र घोषित हुआ? क्या इस राज्य के किसान जब भूखे मरेंगे तब ये अकाल क्षेत्र घोषित करेंगे? क्या किसानों की आवाज उठाना गुनाह है? कल जब हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन सड़क से लेके और सदन के बाहर से लेके सदन के भीतर तक जोरदार तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने सदन में आवाज उठाई, मर्यादित तरीके से हम लोगों ने आवाज उठाई, इस राज्य के विधायक प्रतिनिधि के ऊपर ईडी छापामारी होता है, जेल चले जाते हैं, यहाँ जो है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पर सम्मन जारी होता है। हम लोग राज्य के मुखिया से, राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे कि आप बालू खनिज और कोयला के अवैध जो यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं आप के संरक्षण में ये हो रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। हम लोग माननीय स्पीकर महोदय से जानना चाहते हैं, वो जवाब दे, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जवाब दे कि हम लोगों का कसूर क्या था, क्या ये कहा गया कि आप लोग जो आसन है उसके पीठ दिखा रहे थे? कोई किसी ने पीठ नहीं दिखाने का काम किया है, पीठ तो कल सारे विधायकों ने एक उसके विरोध में खड़ा होकर पीठ दिखाने का काम किया, सारे लोगों को क्यों ने सस्पेंड किया गया? सस्पेंड इसलिए नहीं किया, हम लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायकों के द्वारा झारखंड में वर्षा ना होने के कारण अकाल घोषित करने का मांग कर रहे थे, झारखंड को जो लूटने का काम कर रहे हैं इस पर हम लोग प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे थे। वैसे लोग जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले, पिंटू श्रीवास्तव हो, पंकज मिश्रा हो, प्रेम प्रकाश हो, पूजा सिंगल हो, सारे लोगों के द्वारा उनके माध्यम से झारखंड को लूटने का काम कर रहा है, उन लोगों का बातों को हम लोगों ने विधानसभा के माध्यम से, हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष जी को बताने का काम कर रहा था। क्या झारखंड के मुद्दा को हम लोगों ने रखने का काम किया, यह हम लोग कसूर था? तो झारखंड के एक एक मुद्दा को हम लोगों ने रखने का काम पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आने वाला समय में भी करेंगे। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो झारखंड के निर्माता हैं, उनके प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है, या मैं हूँ, या आदरणीय ढुल्लू महतो जी हैं, या आदरणीय रणधीर सिंह जी हैं, या आदरणीय जयप्रकाश भाई पटेल जी हैं, हम लोगों का गुनाह क्या है? कौन सा ऐसा गलत काम हम लोगों ने किया जो संसदीय मर्यादा के विपरीत था, जिसके चलते हम लोगों को निलंबित किया? हम लोग भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे थे, हम लोग अकाल पर सवाल उठा रहे थे, हम लोग सरकार से जानना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि पिंटू कौन है, पंकज मिश्रा कौन है, पूजा सिंघल कौन है, प्रेम प्रकाश रमन कौन है, और क्या इनसे मुख्यमंत्री के तार जुड़े हुए हैं? तो मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए था कि हाँ, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, या हमारा कनेक्शन है, इस भ्रष्टाचार में हम लिप्त हैं या नहीं है। तो उल्टा हम लोगों के जवाब देने के बजाय हम लोगों को सस्पेंड किया गया, यह काफी दुखद है।
कि लोकतंत्र में विपक्ष सवाल करने के लिए होता है, और जब हम सवाल करते हैं तो अध्यक्ष का सहारा लेकर के मुख्यमंत्री हम लोगों को निलंबित कराते हैं, और अध्यक्ष एक पूरे विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के तरह भाजपा के विधायकों से पेश आते हैं, ये काफ़ी दुखद है। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जब हमने इन भाजपा के चारों विधायकों से बात की तो इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि किस प्रकार से सदन के अंदर इन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, जिसके वजह से स्पीकर ने इन सभी को निलंबित कर दिया है। इन लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी आवाज़ और इनकी जंग लगातार जारी रहेगी, और सदन के अंदर ना सही लेकिन बाहर बैठ कर ही ये अपनी बातों को जनता के समक्ष रखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इस बार मानसून सत्र में झारखंड की जनता के लिए क्या कुछ आता है। तो वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, उस पर क्या अंकुश लगता है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।